नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों, पंजाब जीके विच सिख हिस्ट्री रिलेटेड जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में तो मैं प्रोवाइड करवा चुका है। जो तुम वो वीडियोज़ नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड में तो उन्होंने वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, एक बार विजिट जरूर कर लो। तो अज की वीडियो में आप श्री गुरु अर्जन देव सिखा के पंजवें गुरु रिलेटेड जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्होंने कवर कर लें। एंड दोस्तों, अज की क्लास स्टार्ट करने तो पहले जो तुम पंजाब जीके वास्ते बेस्ट बुक फाइंड कर रहे हो तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है। जिस बुक में मैं पढ़ता वो ही बुक तुम्हें रेकमेंड की है। एंड दोस्तों, लेटेस्ट एडिशन बुक है, शायद तुम्हें मार्केट में ना मिले, जे मिले भी तो काफ़ी हाई रेट पर मिले, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो में बुक का लिंक दिता हो, उस जाओ तो अमेजन से सीधा ऑर्डर कर लो। तो 3 दिनों के अंदर अंदर तुहाडी बुक यह घर पहुँच जाएगी। एंड कैश ऑन डिलीवरी आलसो अवेलेबल ऑन दिस प्रोडक्ट। वो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 की गल करिए, सिख धर्म का पंजवा गुरु कौन सी? नॉर्मल जो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है तो गुरु अर्जन देव जी सिखा के पंजवें गुरु से। क्वेश्चन नंबर 103 की गल कर लिए, गुरु अर्जन देव जी का जन्म कदों हुआ सी? 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में गोइंदवाल विखे गुरु अर्जन देव जी का जन्म हुआ सी। 104 की गल करिए दोस्तों, गुरु अर्जन देव जी के पिता और माता का नाम की सी? गुरु अर्जन देव जी के पिता का नाम से गुरु रामदास जी। इतने स्पैलिंग थोड़ी मिसटेक है, तुम रामदास नोट कर लियो। एंड जी माता का नाम से बीबी भानी, गुरु अर्जन देव जी की माता का नाम से। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें हर वीडियो से कहना, सिर्फ वीडियोज़ में देख के तुम नहीं स्टडी कर सकते, इसलिए जो भी तुम्हें वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाया जाता है उसको अपनी नोटबुक से जरूर राइट करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी की पत्नी का नाम क्या था? माता गंगा गुरु अर्जन देव जी की पत्नी का नाम से। क्वेश्चन नंबर 106 की गल करिए, अमृतसर टैंक डैश द्वारा मुकम्मल किया गया से? गुरु अर्जन देव जी द्वारा ही अमृतसर टैंक का निर्माण हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 107 की गल करिए, हरिमंदर साहिब डैश द्वारा बनाया गया से? तो गुरु अर्जन देव जी द्वारा हरिमंदर साहिब का निर्माण किया गया सी। क्वेश्चन नंबर 108 की गल करिए, गुरु हरिमंदर साहिब की नींह पत्थर डैश द्वारा रखी गई सी? एक मुस्लिम संत से मियाँ मीर नामक, उन्होंने जोड़ा कि नींह पत्थर जो हरिमंदर साहिब का रखे से। 109 की गल करिए, हरिमंदर साहिब का निर्माण कदों हुआ सी? 1599 ईस्वी में हरिमंदर साहिब का निर्माण किया गया सी। क्वेश्चन नंबर 110 की गल करिए दोस्तों, गुरु अर्जन देव जी के पुत्र का नाम की सी? तो गुरु हरगोबिंद जी सिखा के 6वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के ही पुत्र सन। एंड दोस्तों, अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन थोड़े नाल शेयर करनी है। जे तुसी पोल्ट्री कंप्यूटर जनरल साइंस और पंजाब जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुए सन, उन्हां क्वेश्चनों की PDF फाइल में परचेज करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुसी इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी बच्चों ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर लिया है। जे तुसी भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इस PDF फाइल में जरूर बाय कर लियो। दोस्तों, नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी ने कदों तो कदों तक गुरुगद्दी संभाली? तो 1581 तो लैके 1606 ईस्वी तक गुरु अर्जन देव जी ने गुरुगद्दी संभाली सी। क्वेश्चन नंबर 112 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी द्वारा किहड़े किहड़े निर्माण करवाए गए सी? अमृतसर टैंक गुरु अर्जन देव जी द्वारा निर्माण किया गया सी, ते संतोखसर सरोवर, इस तो इलावा रामसर सरोवर गुरु अर्जन देव जी द्वारा ही निर्माण किए गए सन। एग्जाम में क्वेश्चन किवें बन सकता दोस्तों, रामसर सरोवर डैश द्वारा निर्माण किया गया सी, तां उत्थे आपां नूं गुरु अर्जन देव जी याद रखना होगा, इसका सही आंसर गुरु अर्जन देव जी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित बाणियों के नाम? तो दोस्तों, 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ में पोथी साहिब सुखमनी साहिब, यह गुरु अर्जन देव जी दी रचनावां सन। क्वेश्चन नंबर 114 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी द्वारा किहड़े किहड़े शहर दोबारा बनाए गए से? रोहेला पिंड का दोबारा निर्माण किया सी, अते इसका नाम बदल के हरगोबिंदपुर रखा गया सी। क्वेश्चन नंबर 115 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी ने किहड़ी नवीं प्रथा पेश की सी? तो दसवंध प्रणाली गुरु अर्जन देव जी द्वारा स्टार्ट की गई सी। दोस्तों, दसवंध प्रणाली में होंदा की सी, जिहड़े भी सिख धर्म नाल तालुक रखते हैं उन्होंने अपनी कमाई का जिहड़ा दसवां हिस्सा गुरुद्वारे भेट करना हुंदा सी, तां इस प्रणाली में दसवंधी प्रणाली कहा जाता सी। ते क्वेश्चन नंबर 116 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी के समय मुगल सम्राट कौन से? तो अकबर और जहांगीर जिहड़े गुरु अर्जन देव जी के समकालीन सन। क्वेश्चन नंबर 117 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी के ज्योति ज्योत समाउण का, इतने थोड़ी स्पैलिंग मिसटेक होगी दोस्तों, क्योंकि ज्योति ज्योत समाउण का यानी डैथ का टाइम की सी? तो 1606 ईस्वी में लाहौर विच गुरु अर्जन देव जी ज्योति ज्योत समा गए सन। क्वेश्चन नंबर 118 की गल करिए दोस्तों, शहीद होने वाले पहले गुरु कौन सन? सीधा क्वेश्चन यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो गुरु अर्जन देव जी जो सन पहले गुरु सन जो कि शहीद हुए सन। क्वेश्चन नंबर 119 की गल करिए, गुरु अर्जन देव जी किस जाति ताल्लुक रखते सन? तो खत्री जात गुरु अर्जन देव जी संबंधित सन। क्वेश्चन नंबर 120 की गल करिए दोस्तों, गुरु अर्जन देव जी की पत्नी माता गंगा किसकी पुत्री से? कृष्ण चंद इन्हों वाइफ से जी उन्हें
पिता का नाम से। क्वेश्चन नंबर 121 की गल करिए, मीणा संप्रदाय किस द्वारा शुरू की सी? पृथ्वी चंद द्वारा मीणा संप्रदाय की स्थापना की गई थी। हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़े लिए, मैंने वीडियो में कमेंट करके दसना तुसी कि पृथ्वी चंद कौन सी। जे तुसी मेरी पिछली वीडियोज़ ध्यान नाल देखी है तो तुहानू जरूर पता होगा कि पृथ्वी चंद आखिर कौन से। दोस्तों जो पता तो कमेंट जरूर कर दो। क्वेश्चन नंबर 122 की गल करिए, हरिमंदर साहिब के पहली ग्रंथी कौन सन? तो बाबा बुढ़ा जी हरिमंदर साहिब पहली ग्रंथी नियुक्त किए गए सन। ओके दोस्तों, इस सिक्कां दे पंजवें गुरु रिलेटड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तो पहले आप सिक्कां दे पहले गुरु, दूजे गुरु, तीजे गुरु एंड फोर्थ गुरु रिलेटड सारे क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। एंड दोस्तों पंजाब जीके दे सिलेबस की तैयारी तुसी मेरे उत्ते छड़ दो, क्योंकि हूँ डेली दो वीडियोज़ मैं पंजाब जीके रिलेटड अपने चैनल पर पाया करा ता जो तुहाडा सिलेबस जल्दी नाल कवर हो सके। ओके दोस्तों, जो वीडियो यह बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब करो, तो सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जो कोई सवाल है मन में तो यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, मैंने फॉलो करके मेरे गल कर सकते हो।